आयुर्वेद का हमारे देश से सदियों पुराना ताल्लुकात रहा है। कोरोना काल में भी कई लोगों ने आयुर्वेद की ओर रुख किया है, हालांकि फिर भी लोगों में आयुर्वेद के प्रति जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है, जिसके चलते ओशोन हर्बल स्टोर की ओर से विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयुर्वेद प्रसार के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक रावल ने कहा कि साइंस का भले ही हमारे जीवन में अहम योगदान है, लेकिन साइंस हमारा जीवन नहीं है। उन्होंने आगे आयुर्वेद के महत्व के बारे में जानकारी साझा की। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना काल ने हमें सिखा ही दिया है स्वास्थ्य का महत्व, जिसमें आयुर्वेद का अहम योगदान है, जिसका प्रचार और प्रसार हो इस उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम हर शनिवार ऐसे लाइव सेमिनार लेते हैं, ऐसी भी उन्होंने इस दौरान जानकारी दी। आप लोगों को एक बात जान लीजिए, आप लोगों को कोरोना काल में आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि साइंस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बस साइंस जीवन नहीं है, ये बात हमें समझ लेना चाहिए। हजारों लाखों लोगों ने अपने परिवार के, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बहुत कुछ हम लोगों का जो है वो इस कोरोना काल के दांव में लगा है। और ये भी सही है कि साइंस ने कुछ बचाव किया है, बट वो बचाव मैं कहता हूँ वो सफिशिएंट नहीं था। रीजन उसका क्या रहा कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को, आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को महत्व नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। अगर आप आज भी देखेंगे इस कोरोना काल में जो आपका सबसे बड़ा जो आपका साथी था वो आपका अपना शरीर और आपका अपना इम्यून सिस्टम था। ये बात हर साइंटिस्ट ने कही, विदेशों में भी इस बात पे ही विश्वास किया गया कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोरोना से अपना अच्छे से बचाव कर सकते हैं। और जो कोरोना काल्स में बहुत सारी जो मेजर जो ट्रेजडी हुई वो हुई जिन लोगों को मल्टीपल डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस थी,